ये है टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब की। पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीणा द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में आज थाना साहवर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर साहवर में हुए बलवा का मुख्य आरोपी विपिन दीक्षित पुलिस ने दबोच लिया है। आपको बताते चले, 11 मई 2018 को लोगों को भड़काकर पुलिस मीडियाकर्मी और आमजन मानस पर जान से मारने की नीयत से पथराव करवाया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी और मीडियाकर्मी घायल हुए थे। लेकिन आज मुखबिर की खास सूचना पर कोतवाल रविंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में कांस्टेबल पंकज गुर्जर और रामवीर सिंह यादव ने साहवर कस्बा के मैन चौराहे से मुख्य दंगाई विपिन दीक्षित को दबोच लिया है। दिनांक 10 मई 2018 की रात में जो है साहवर के अवंतीबाई नगर में जो है राजकुमार के घर में बदमाशों द्वारा डकैती को अंजाम दिया गया, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसमें सुबह जब पता चला तो कुछ लोगों द्वारा डेड बॉडी उठाकर रोड जाम कर दिया गया, जिसमें से पुलिस द्वारा मना किया गया, लेकिन फिर भी ये लोग माने नहीं और पथराव फायरिंग वगैरह की, जिसमें कुछ पुलिस के सिपाही घायल भी हो गए थे। इनके खिलाफ पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें से कुछ लोग ज्ञात थे, कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। ज्ञात लोगों में से विपिन दीक्षित मुख्य अभियुक्त हैं, इनको आज पकड़कर जेल भेजा जा रहा है। बाकी लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है, इनको तत्कालीन जेल भेजा जाएगा। पकड़े गए सातिर का काम क्षेत्र में अशांति फैलाना और लोगों को भड़काकर बर्बाद करना है। सातिर विपिन दीक्षित की गिरफ्तारी के बाद साहवर बलवा के बचे हुए अपराधियों के हाथ पांव फूल चुके हैं। वह ज्यादातर दंगाई साहवर कस्बा छोड़कर भाग खड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर साहवर पुलिस द्वारा अपराधियों की धरपकड़ हेतु ताबड़तोड़ तवीज जारी है। कासगंज से टाइम्स 18 न्यूज के लिए रोहतास कुमार की रिपोर्ट। ये है टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब की।